नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गुंडे माफियाओं के बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस अपराधियों को ठोक रही है, उसके बाद से ही इन सब में खौफ छाया हुआ है। इसी वजह से अब अपराधी एनकाउंटर के डर से खुद सरेंडर कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर ना किया जाए। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरनगर से आया है, जहां अपराधी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और माफी मांगते हुए कह रहा है कि उसका एनकाउंटर ना किया जाए, अब वो अपराध की दुनिया छोड़ देगा। खबरों के अनुसार ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर का है, जहां एक अपराधी हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते हुए अपराध की दुनिया छोड़ने की बात कही है। जानकारी देते चले कि पुलिस के अनुसार अपराधी अंकुश राजा गोयला थाना शाहपुर का निवासी है। उसने क्षेत्र में अलग अलग बाइक लूट की दो घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस उसकी खोज कर रही थी। अब उसने आखिरकार खुद सरेंडर कर दिया है, जो कि दिखाता है कि सूबे में अपराधियों में किस कदर सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ बैठ गया है और सीएम योगी के एनकाउंटर नीति से माफिया थर थर कांप रहे हैं। वहीं सीएम योगी का तो सीधा आदेश है कि ऐसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से मिट्टी में मिला दिया जाए, जिसके बाद से ही अपराधी तुरंत थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसे एक मेरठ से मामला आया था, जहां पर एक अपराधी सरेंडर करने पहुंचा था और उसने भी अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी और कहा था कि उसका एनकाउंटर न किया जाए। बहरहाल जिस तरीके से यूपी में अपराधियों और माफियाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ छाया हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनिए, जब उन्होंने सदन में खड़े होकर हुंकार भरते हुए कहा था कि माफियाओं और अपराधियों को इस राज में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने, माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, कहीं सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था, सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम